ओके फ्रेंड, समझते हैं कि इसमें टोटल फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, मतलब प्रकृति में जो हमारा प्रकृति का यूनिवर्स है उसमें कितने फोर्स लगते हैं। तो चार मूल बल होते हैं, चार नंबर बना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर टू होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर थ्री वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसे हिंदी बोले गुरुत्वाकर्षण बल, इसे वैद्युत चुंबकीय बल, इसे दुर्बल न्यूक्लियर बल, और इसे स्ट्रॉन्गली। ठीक है, तो यहाँ क्या लगता है, दो मास है। इसने बताया था ग्रेविटेशन, न्यूटन ने बताया था कि दो बल, दो टुकड़े हैं, कोई टुकड़े कहीं भी रखे हो तो उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। यहाँ हमेशा अट्रैक्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है चार्ज पे, तो चार्ज अगर सेम सेम है इनके बीच में बल लगता है जो भी है। और यहाँ पे क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, तो यहाँ पे एक न... ये तो होता है एटम, क्या है नाभिक, वो है परमाणु। एटम का मतलब क्या होता है परमाणु, उसके भी उसके अंदर क्या है नाभिक है, नाभिक में क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इनके बीच में बल लगता है इस वीक भी और स्ट्रॉन्गली भी। तो चार प्रकार के बल होते हैं, और अगर आपसे मालूम किया जाए सबसे वीक कौन होता है, तो वीक होता है सबसे ये, सबसे कमजोर बल कौन सा है, सबसे कमजोर बल का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और हमारे यहाँ पे क्या है चार फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मूल, क्या होता है मूल, मूल का मतलब जो होती होते हैं। थैंक यू।